है बेटा? सुबह से बिक्री हुई नहीं हुई? नहीं हुई। आज फिर से होगा फूड ब्लॉगर का पर्दाफाश। क्या फूड ब्लॉगर आपको सही दिखाते हैं? कैमरामैन फोकस करो, वीडियो में देखकर क्या लग रहा है कि वो किसी गरीब बच्चे की भला कर रहा है? वो आता है, उससे पूछता है कि सुबह से आपकी बिक्री हुई या नहीं हुई, तो बोलते 30 प्लेट चौमिन पैक कर दो। आपने यही देखा ना, आपको यही लग रहा होगा कि वो किसी गरीब बच्चे की भला कर रहा है, उसके लिए चौमिन खरीद रहा है, उसकी बोनी नहीं हुई। तो चलिए इसके पीछे का पर्दा उठाते हैं। भाई बच्चे से लगवा लिया हमने 30 प्लेटें और ये चालू है कब? बच्चे की बिक्री नहीं हुई थी, कहा है सेल भाई, 30 प्लेट लगाई हमने बच्चों के लिए। यहाँ पर ध्यान से नोटिस कीजिए, जब वो पैसे लेकर जा रहा होता है तो उसकी कढ़ाई में पहले से चौमिन पड़ी होती है और वो एक प्लेट से ढकी होती है, पर वीडियो में बताया जाता है कि इसकी बोनी नहीं हुई चौमिन वाले की। सुबह से बिक्री हुई नहीं हुई? नहीं हुई। यहाँ पर फूड ब्लॉगर बोलता है कि उसकी कोई बिक्री नहीं हुई, पर उसकी बिक्री पहले से हो रखी है। ध्यान से नीचे चौमिन एक प्लेट में पड़ी हुई है, उसको भी नोटिस कर लीजिए। और ये फूड ब्लॉगर वीडियो बनाने के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं ताकि इनको झूठ बोलना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। देश की जनता को बस गलत गलत दिखाया जाता है यार। और ये पूरी वीडियो रामलीला जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर बनाई गई है, वहाँ पर पहले से इतना क्राउड है तो कैसे झूठ बोल सकता है ये कि इसकी बोनी नहीं हुई। अगर आपको यकीन नहीं है तो पीछे रामलीला महोत्सव का बोर्ड भी लगा है, वहाँ पर ध्यान से नोटिस कर लीजिए। बिक्री नहीं हुई थी, कहा है सेल भाई, 30 प्लेट लगाई हमने बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पे गुब्बारे बेच रहे हैं। बेटा कितने 15 साल के हो? कितने साल को? कितने साल के हो तुम भाई? 14 साल का बच्चा बना रहा है, देख लो। वीडियो में देखकर तो पता चल ही गया कि उसकी बोनी पहले से हो रखी थी और उसने काफी ज्यादा चौमिन के प्लेट बेच भी दिया। पर शर्म आनी चाहिए इन दुकान के ओनर को, एक तो गलत चैलेंज रखते हैं, ऊपर से चैलेंज छोड़कर वीडियो बनाने के लिए भी बाहर निकलते तो बनाओ। किसने मना थोड़ने किया कि आप वीडियो मत बनाओ, पर गलत क्यों दिखाया जा रहा है? आप लोगों को यही लगा ना कि वो मदद कर रहा है उस लड़के की, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो बहुत ही हटके है। अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हो तो यार वीडियो बनाओ, बनाने के लिए कोई मना नहीं है, बट गलत तो मत दिखाओ, पब्लिक की सहानुभूति तो मत लो ताकि ज्यादा व्यूज आए। इस चक्कर में उसने ये पूरा वीडियो बनाया और ये कंटेंट पूरा क्रिएट किया, पर ये गलत चीज है। ये दुकान का ओनर है बिग मोमोस वर्ल्ड का। भाई देखो, मैं किसी को बुरा बोलूं या सही बोलूं इतनी अपन की बात नहीं है, ठीक है? बस मैं गलत को गलत बोलता हूँ, सही को सही बोलता हूँ, इसी वजह से मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? अगर वीडियो बनानी है तो नॉर्मल बनाओ यार, किसी की मदद करे तो वीडियो बना के करो मदद, मगर गलत चीजें दिखाकर झूठ बोलकर ऐसा मत करो, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो सही लगे तो वीडियो को दबा के शेयर करना और फॉलो करके जाना। आपके एक फॉलो से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके, धन्यवाद।